हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ, प्लस रिव्यू देने वाली हूँ स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर, जो कि सिर्फ 20 रुपये में आता है। लाइक 20 रुपीज़ में आप अपने फुल हेयर को कलर कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल नॉन अमोनिया है एंड नो पेरोक्साइड। ये 5 मिनट में हेयर कलर करता है एंड आपके हेयर एकदम से कलर हो जाएंगे, ऐसे इन्होंने कहा है। एंड स्पेशली मैं बात करूँ कि नॉर्मल हेयर कलर्स की, तो वो 2 से 3 घंटे रखने के बाद हेयर कलर होते हैं, प्लस उनके प्राइस भी बहुत हाई होते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्स का 20 रुपीज़ हेयर कलर शैम्पू है, ये बस 5 मिनट लगाना होता है एंड फिर धो देना होता है। तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, इंस्टेंटली मेरे रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड चलिए देख लेते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या है। एंड मैंने यहाँ पर 4 नेचुरल कलर लिया है, मतलब ब्राउन का कलर लिया है। आप चाहें तो ब्लैक ले सकते हैं या फिर और कलर्स ले सकते हैं। बेसिकली ग्रे कवरेज के लिए ये हेयर कलर बना है, जिनके हेयर वाइट्स हो रहे हैं, अदर कोई आपको कलर चाहिए तो आप ले सकते हैं एंड बहुत जल्दी हेयर कलर हो जाएगा। यहाँ पर पैक्स में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एंड यू कैन फॉलो थरली। एंड चलिए पैक के अंदर देख लेते हैं कार्ट के अंदर क्या है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं कि इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है। तो शैम्पू हेयर कलर भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ज़िंदगी में। तो 20 रुपये में इज़ काफ़ी अफोर्डेबल है। 20 रुपये में आप एक बार हेयर कलर करते हो तो बहुत बहुत अफोर्डेबल है, बहुत चीप रेट है। तो यहाँ पर मुझे ग्लव्स मिला है, तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ग्लव्स मिलेगा। मुझे लगा कि ग्लव्स अलग से लाना पड़ता होगा, सिर्फ हेयर कलर मिलेगा। ग्लव्स मिला, इट्स रियली गुड कि आप ग्लव्स पहन के हेयर कलर करना होगा। तो यहाँ पर जो पैकेट मिला है शैम्पू का, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कुछ इस तरह का पैकेट दिया गया है, मीडियम लेंथ हेयर के लिए ये पैकेट का जो कंटेंट है वो ठीक है, बट अगर आपके हेयर बहुत लॉन्ग है देन आपको शायद 2 पैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ एक पेपर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस में आप पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन यही है कि पहले आपको ड्राई हेयर में लगाना होगा एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ लगा के मसाज करके रखना पड़ता है, फिर 5 मिनट रख के हेयर वॉश करना पड़ता है। तो चलिए देख लेंगे कि कैसा है ये। सबसे पहले मैं अपने प्रीवियस हेयर बिफोर लुक दिखा देती हूँ, हेयर का क्या है। ब्लैक है मेरे हेयर, तो एज सच ब्राउन कलर समझाया तो नहीं जा सकता हेयर कलर से, बट जिनके हेयर वाइट है तो उनको तो ईजिली समझ आएगा कि हेयर कलर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉम कर लूँगी हेयर को, ताकि पूरा इवनली हेयर कलर लग पाए। सो देखते हैं क्या होता है यूज़ करके। एंड उसके बाद मैं पहनूंगी ग्लव्स। ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके हाथ में स्किन में लग जाएगा, फिर उठेगा नहीं। बट बेसिकली अगर आपके स्किन में हेयर कलर लग जाता है तो आप लेमन या फिर नींबू यूज़ करके उसको उठा सकते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। सो अभी मैं काटने वाली हूँ मेरा हेयर शैम्पू कलर। तो बेसिकली ये इस टाइप के पैकेट में आता है एंड चलो कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद जो मुझे दिखा कि इसके अंदर 2 चैनल्स हैं, लाइक मुझे लगा कि एक ही, मतलब एक ही चीज़ होगी, बट आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके अंदर 2 पैकेट्स है। लाइक एक लेयर किया गया है अंदर, मतलब पार्ट किया गया है, एक तरफ एक प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ एक और प्रोडक्ट है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर पार्ट किया गया है, 2 टाइप की चीज़ है अंदर में। मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ हाथ में। तो मैंने हाथों में डाल लिया, आप देख सकते हैं कि एक तरफ की क्रीम निकली है और दूसरी तरफ से एक जेल टाइप कुछ निकला है। एंड दिस इज़ लाइक रियली क्रेजी, लाइक मुझे समझ ही नहीं आया था या फिर मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ निकलेगा। तो इसको दोनों को मिक्स करके मैं अपने स्कैल्प में और पूरे हेयर में लगाने वाली हूँ। लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, आपके सामने ही मैं कर रही हूँ, आप प्रॉपरली देख लीजिए।
नेक्स्ट जो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कॉम कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए फुल हेयर कलर मेरे स्कैल्प में लग जाए, तो उसके लिए मैं कॉम कर लूँगी। तो ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो। मुझे पर्सनली फील होता है कि एक जगह पर अटके रहेगा, दूसरे जगह पर नहीं लगेगा तो ऐसे तो अनइवन हो जाएगा। तो कॉम करने से पूरे इवनली स्कैल्प में लगेगा, हेयर में लगेगा, तो फुल्ली मैं कॉम कर लेती हूँ। फिर मैंने कर लिया है बंद, ताकि मैं इसको 5 से 10 मिनट तक रख पाऊँ। टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े मेरे हेयर कलर स्कैल्प से मतलब फोरहेड में लग चुके हैं। वो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। तो वॉश कर लेते हैं अपने हेयर को। तो यहाँ पर देखिए वॉश कर लिया, उतना समझ नहीं आएगा, ड्राई होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा हाल हुआ है। सो ड्राई होने के बाद थोड़ा आप देखिए ब्राउनिश टेंट आपको थोड़ा फील होगा, लाइट में ज़्यादा देखिए स्कैल्प की तरफ ज़्यादा ब्राउनिश लगता है। तो मैंने बहुत कम टाइम रखा था, लाइक 5 मिनट या 6 मिनट, आप ज़्यादा देर तक रखिए 10 to 15 मिनट्स। एंड थैंक यू सो मच।